मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से मैसेज ऐप पर पेपर लीक करने वाले गिरोह एक्टिव हो गए हैं। कई ग्रुप्स बन चुके हैं जो पेपर लीक के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। पेपर को लेकर चिंता की वजह से छात्र भी इन ग्रुप्स के झांसे में आ रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह के ग्रुप्स एक्टिव हुए, लेकिन इनके मास्टरमाइंड को पुलिस अब तक अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी है। मध्य प्रदेश में लाखों छात्र इस वक्त अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियां माध्यमिक शिक्षा मंडल भी कर रहा है, पेपर दिलवाने के अलावा पेपर लीक होने से बचाने की भी। अगर आप ये देखेंगे तो ये टेलीग्राम का एक मैसेजिंग चैनल है जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर पेपर लीक को लेकर बात चल रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए कुछ पेपर्स आउट भी किए गए हैं, क्योंकि कई अन्य राज्यों में भी है जो है वो पेपर्स लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले जो है पेपर यहाँ पर देखने को मिला है। अब इन ग्रुप्स पे जो तमाम पेपर्स आते हैं वो जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनको 500 या 900 रुपए में ये पेपर्स बेच देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो छात्र चिंता में होते हैं वो इन पेपर्स को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उनके पैसे भी दे देते हैं, लेकिन उनको पेपर्स नहीं मिल पाते और बाद में वो पेपर्स फर्जी भी निकल जाते हैं। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में पेपर शुरू होने के कुछ मिनटों पहले टेलीग्राम चैनल पर आने शुरू हो जाते हैं। इस दफे भी 20 से ज्यादा चैनल एक्टिव हो चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि असली प्रश्न पत्र मिलेगा। लोगों को व्यक्तिगत लिंक भेजकर प्राइवेट चैनल से जोड़ा जा रहा है। एमपी बोर्ड ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में भी की है। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि बच्चे इस भ्रांत में बिल्कुल न रहें कि उनको परीक्षा कक्ष के पूर्व किसी भी भांति प्रश्न पत्र पहले से मिल सकता है। सोशल मीडिया पर टेलीग्राम ग्रुप और अन्य ग्रुप के माध्यम से ये भ्रांतियां दुष्प्रचार होता है कि उनको प्रश्न पत्र मिल सकता है और बच्चों को भ्रमित करके और उनसे QR कोड के माध्यम से पैसे भी वसूल किए जाते हैं। मैं यही अपील करना चाह रहा हूं कि बच्चे इस तरह की भ्रांतियों में ना आएं और इस तरह के ग्रुप्स में बिल्कुल शामिल ना हों। अभी इस तरह के अनैतिक अवैध गतिविधियों का मंडल ने FIR भी दर्ज कराया है क्राइम ब्रांच में और उसके विवेचना के बाद 3 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार भी हुए हैं। 2023 में पेपर लीक होने की बात स्कूली शिक्षा विभाग ने मानी थी। भिंड और भोपाल में पेपर लीक को लेकर FIR भी दर्ज हुई। पेपर लीक में गुजरात से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। मध्य प्रदेश में पेपर लीक करने के मामले में 4 शिक्षक भी गिरफ्तार हुए थे। केंद्राध्यक्ष और प्रतिनिधि पर भी गाज गिरी थी। 2024 में भी परीक्षा से पहले 3 लोगों पर FIR की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमें कुछ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिए थे जिसमें इस तरह के ग्रुप्स के बारे में बताया गया था जहां पर QR कोड और बाकी चीज़ों के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं और पेपर को आउट करने के लिए वहां पर तमाम तरह के लुभावने ऑफर टाइप के दिए जा रहे हैं। उसमें कुछ ग्रुप्स में हम लोगों ने जो उनके एडमिन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से सीख की है। कुछ की इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। जिन लोगों से डायरेक्टली ये चीज़ हम लोग कॉरोबरेट कर पा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके फर्जी पेपर या पेपर आउट करने के लिए कोई वादा किया है या प्रलोभन दिया है, उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हमने कर ली है जो भोपाल के हैं और एक व्यक्ति उसमें उज्जैन का भी है। इसके अलावा भोपाल के अलावा भी और भी कुछ जिलों के लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, लेकिन उनके इस संबंध में पैसा लेने के और फर्जी पेपर बनाने के या पेपर आउट करने के जो तथ्य हैं वो नहीं मिल पाए हैं। टेलीग्राम पे इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं, इनको हम लोग ऑलरेडी मॉनिटर करते हैं, इनको हम लोग रिपोर्ट भी करते रहते हैं अगर उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही होती है तो। इस दफे भी 72 ग्रुप्स को चिन्हित किया गया है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में वो इस गिरोह का भी भंडाफोड़ कर देगी। मध्य प्रदेश में लाखों छात्र इस बार बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं, लेकिन लाखों छात्र का भविष्य जब दांव पर लग जाता है जब इस तरह के शिक्षा माफिया एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे पेपर लीक करने वाले गिरोहों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र मेहनत से तैयारी करता है उसके लिए एक परेशानी बनती जाती है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है, सिस्टम पर भी सवाल उठता है और कहीं ना कहीं जब सवाल उठता है तो उसके जवाब ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।